हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए। मुझे आप लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे ये तो पता चलता है कि मुझे और क्या कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, क्या मिस्टेक हो गई। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने के लिए। और दूसरी बात ये है कि मेरे कितने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये भी मुझे पता चलता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स जाइए, अपना कमेंट्स करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गायब हूँ वीडियो से। तो थोड़ी सी नाराज़गी तो आप लोग की बनती है, पर अब मैं कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी का क्लास चेंज हुआ है। नर्सरी से एलकेजी में गई है, जिससे उसका बुक्स वुक्स लेना मतलब पड़ गया था। बहुत टाइमिंग उसमें मतलब जा रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर ये सबसे अब मैं फ्री हो गई हूँ। पर अफसोस सिर्फ इसी बात की कि इतनी छोटी बच्ची सुबह के 7:30 से लेके दोपहर के 12:12 तक स्कूल में ही रहेगी। उसके बाद छुट्टी होगी तो बहन वाला तो जानते हैं 1-1.5 घंटा तो लाने में ही लगा देगा। इस बात की बहुत बुरा फील हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची। हाँ, ज़्यादा धूप है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी जाऊँगी मार्केट फटाफट, ताकि धूप और ज़्यादा बढ़ जाए। उससे पहले मुझे कुछ सामान लेना है, वो मैं लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मार्केट से आ गई हूँ, बहुत हालत ख़राब है, सांस ऊपर नीचे चल रहे हैं। इतनी गर्मी है, मतलब बाहर जाइए और फिर बाहर से घर आइए तो बोलने की तक की हिम्मत नहीं होती है, इतनी गर्मी है। पर मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेने थे तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मुझे लिक्विड वाले मिल्क लेने थे जिससे कि मैं कॉफ़ी बना सकूँ और मेरी बेटी भी ले सके। मुझे ना पाउडर वाले दूध की तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ले, मैंने तो कॉफ़ी लाना ही भूल गई हूँ, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा। पर मुझे अब अभी बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने में ही एक दुकान है, मैं कॉफ़ी वहीं से ले आऊँगी। और बाकी जो मुझे दूर से सामान लाना था वो मैं लेके आ चुकी हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी तो टेंशन हो गई कि मार्केट गई थी और कॉफ़ी भूल गई, पर कॉफ़ी सामने ही मिल जाएंगे, तो इसीलिए मुझे उतनी टेंशन नहीं हो रही है। मैं जा रही हूँ, कॉफ़ी लेके ही आ जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉफ़ी नहीं लेके आऊँगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी। इसलिए मैं कॉफ़ी लेके आ रही हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जा रही हूँ, दूध डाल दूँगी उबलने के लिए, नहीं तो क्या होगा ना, गर्मी इतनी है कि दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मैं फटाफट इसे इस दूध को जो है जाके दे रही हूँ उबलने के लिए। नाश्ता लेके आई हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैं नाश्ता लेके आई हूँ कि मैं अभी नाश्ता करूँगी, उसके बाद ही कुछ काम होगा। दूध उबलने डाल दी हूँ, दूध उबल जाएगी तब तक। गर्मी आ चुकी है तो हमारे स्किन पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत छूटता है, धूल मिट्टी डस्ट ये जो है हमारे स्किन पर आके चिपक जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं धूप से आते हैं तो हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं गर्मी के मौसम में, वो है टमाटर। वैसे तो टमाटर इस टाइम में बहुत महंगा हो जाता है, जो एफर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ना थोड़ा मैं टमाटर अपने स्किन के लिए बचा के रख सकूँ। जब मैं धूप से आती हूँ तो स्पेशली मैं टमाटर ज़रूर यूज़ करती हूँ, ये देख सकते हैं। हाँ, लेकिन टमाटर बहुत अच्छे से पका होना चाहिए, कच्चा और आधा पक्का, आधा कच्चा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से पका हुआ टमाटर होना चाहिए, जिस तरह से ये है। और उसे फिर हम काट लेंगे, काटने से पहले बाल को के बाद टमाटर काट लेंगे। फिर इस टमाटर को धीरे धीरे अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं, इससे ठंडक भी लगेगी और हमारे स्किन पे जो हुई ये टैन हो जाती है, दाग धब्बे टाइप से हो जाते हैं, तो उसे भी ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है।
इसे हम हाथ पर भी रख सकते हैं, हमारे हाथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। टमाटर के बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स। टमाटर आप कच्चा टमाटर जो है मतलब स्किन पे आप रब कर सकते हैं, इसे खा भी सकते हैं। उसके बाद इसे पका के जब ठंड की मौसम होती है और टमाटर बहुत सस्ता हो जाता है तो उसे हम पका के अचार के तरह बना के इसे हम बोतल में भर के रख सकते हैं और समय समय पर उसे निकाल के खा सकते हैं। जब घर में छोटे बच्चे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, क्योंकि जब भी वो आते हैं आप सब कुछ ठीक कर दो, थोड़ी देर के बाद देखो कि आपका काम बढ़ जाता है, फिर से वो फैल जाता है, फैला देते हैं, फिर उसे ठीक करो। आधा से ज़्यादा समय तो यही काम करने में बीत जाता है। अभी मेरी बेटी नहीं है तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया। जैसे ही वो आएगी तो फिर सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, वो हेयर स्टाइल बनाएगी, मेकअप करेगी, ये सबको उसे बहुत मन लगता है करने में, तो फिर वो ये सब करेगी और पता नहीं क्या क्या ड्रेसिंग टेबल पर पूरा फैला के रख देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरा ड्रेसिंग पूरा मतलब क्लीन है, और वो जब आएगी तब पूरा फैला के रख देगी। उस पर कभी क्या क्लचर, सारे जितने भी क्लचर है सब निकाल के ड्रेसिंग टेबल पे रख देगी। जैसे कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर इसकी बिहेव से उसे मारने जाइए तो दूसरे बच्चे की तरह भागेगी नहीं, वो आग के और शरीर में चिपक जाती है, तब तो और ख़राब लगता है कि क्यों मारने मारने के लिए गए उसको हम। बहुत ही है, दरभंगा गई थी तो मम्मी ने मुझे दो सूट गिफ्ट किया था, उसमें से ये है देख सकते हैं, एक रेड कलर का है जिसपे से ब्लू येलो और ग्रीन कलर का लाइनिंग है, ये बहुत अच्छा लगता है प्योर कॉटन में, और गर्मी के मौसम में तो कॉटन समझिए वरदान ही होता है एक तरह से, तो ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे मैं कुर्ती बनवाऊँगी, लॉन्ग लॉन्ग कुर्ती बनवाऊँगी। ये देखिए ये बॉर्डर है, नीचे वाला बॉर्डर है, ऊपर पूरा लाइनिंग लाइनिंग है, पूरी तरह से लाइनिंग है। तो ये मुझे, ये इसी कुर्ती का पैजामा है जो ये भी कॉटन में ही है, पर मैं इसको पैजामा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं पैजामा नहीं बनाती हूँ, उस पर लेंस सेट लगवा लूँगी, लेंस कर दूँगी, और इसे मैं घर में पहनने के लिए शॉर्ट कुर्ती बनवा लूँगी जिससे कि मैं घर में पैजामा पे शॉर्ट कुर्ती पहन सकूँ। तो इसको मैंने सोचा है कि शॉर्ट कुर्ती बनवा लूँगी और उस पर लेंस लगवा लूँगी। ये रहा दूसरा सूट पीस ग्रीन कलर का, ये भी कॉटन में ही है और बहुत अच्छा है, ग्रीन में है, पूरा प्लेन है ग्रीन ये। और ये रहा बॉर्डर, नीचे की तरफ ये बॉर्डर है पूरा प्लेन है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इसे भी मैं लॉन्ग कुर्ती ही बनवाऊँगी ए लाइन कट में। और ये रहा इसका पैजामा, पर ये कॉटन में नहीं है इसीलिए मैं इसे इसे कुछ नहीं बनाऊँगी, इसका ये पैंट बनवा लूँगी नीचे में, उस कुर्ती का सेट बनवा लूँगी इसे पहनने के लिए, और ये कॉटन नहीं है तो पैंट भी बहुत अच्छे इसकी बन जाएंगे, तो मैंने इसे यही सोचा है। फ्रेंड्स ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोग से शेयर कीजिए।